हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला क्लास 10 एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 5.3 इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये काफ़ी सिंपल सा एक्सरसाइज है, आइए इसे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर वन का वन देखिए क्या है क्वेश्चन। 2x² - 7x + 6 = 0। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सॉल्व करना है। लेकिन ये जो सॉल्व करना है ये हम लोगों को यूजिंग फार्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व को करना है। और इसके करने के कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और काफ़ी सिंपली इन सम्स को हम लोग कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि इस इक्वेशन से हमें ए बी और सी क्लासिफाई करना होता है। ए बी सी क्या है और कैसे मिलेगा। सबसे पहले ये ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर जो होता है वो ए कहलाता है। एक्स के साथ वाला जो नंबर होता है वो बी कहलाता है, विथ साइन, तो ये बी मिल गया। सी वो नंबर होता है जिसमें एक्स ना हो, तो ये 6 मिल गया। इस तरह से देखिए आपने ए बी सी क्लासिफाई कर लिया। क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो नंबर होता है वो ए है, एक्स के साथ वाला जो नंबर है वो बी है, और जिसमें एक्स नहीं है वो सी है। तो ये ए बी सी आपने क्लासिफाई कर लिया। इसके बाद क्या करना है, आपको x का फार्मूला लिखना है। क्वेश्चन ही है कि आपको फार्मूला से सॉल्व करना है। तो x इक्वल्स टू क्या फार्मूला, एक छोटा सा फार्मूला है, -b + √(b² - 4ac/2a। x इक्वल्स टू क्या है, -b + √(b² - 4ac/2a। ये जो फार्मूला है बस इसमें ही हम लोग को वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। इसमें देखिए ए बी सी जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं इसका ही ये वैल्यू ऊपर जो हम लोगों ने निकाला है, बस उस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करना है। आइए सब्सटीट्यूट करते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, -b, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी माइनस है और बी में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो बी क्या था, 7, तो ये 7 पुट कर दीजिए। ये प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। इसके बाद क्या है, √(b² माने -7 का स्क्वायर। फिर क्या देखिए, -4ac क्या है, 2, सी क्या है, 6 है, बाई 2a मीन्स 2 × 2। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू क्या था, 2 था। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में आइए, x इक्वल्स टू क्या, ये 7, अच्छा प्लस माइनस एज इट इज जैसे है उसे उतारिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 7 का स्क्वायर कितना, 49, ये माइनस है, 4 × 2 = 8, 8 × 6 से कितना, 48 बाई क्या, 2 × 2 = 4। यहाँ तक एकदम सिंपल है, अच्छा पूरा क्वेश्चन ही सिंपल है, ये क्वेश्चन ही सिंपल है। अच्छा तो ये 7 प्लस माइनस 49 - 48 = 1, तो √(1) क्या आता है, 1 ही आता है, / 4। इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, आइदर और। इसमें ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्स के हमेशा दो आंसर्स आएंगे, हमेशा आपको दो आंसर्स मिलेगा, मतलब आइदर और का कंडीशंस हमेशा फॉर्म करना है आपको, आइदर और। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, आइदर x इज इक्वल्स टू 7, ये देखिए दो साइन था ना, प्लस और माइनस दोनों साइन था। आइदर के केस में आप ऊपर वाला साइन यूज़ करेंगे, तो ये 7 + 1 / 4, तो 7 + 1 क्या आया, 8 / 4, तो 8/4 से क्या मिला, 2, तो ये x का एक वैल्यू मिला। इसके साथ साथ और में क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला साइन यूज़ करेंगे, x इज इक्वल्स टू 7 - 1/4, तो 7 - 1 कितना आया, 6/4, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, मतलब इससे क्या मिला आपको, 3/2। तो x का देखिए दो आंसर्स आपको मिला, तो therefore x इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, एक आंसर 2 मिला, दूसरा क्या मिला, 3/2, बस यही है आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए इसके सेकेंड पार्ट को, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन देखिए, 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें भी वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला आपको ए बी और सी क्लासिफाई करना है।
एक इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, टू है, तो ये ए हो गया। एक्स के साथ क्या है, एक्स के साथ क्या है, ये बी हो गया, माइनस सिक्स। अच्छा सी क्या है, जिसमें एक्स ना हो, सी क्या है जिसमें एक्स ना हो। तो इस तरह से देखिए आपको ए बी सी मिल गया, ए क्या है टू, बी क्या है माइनस सिक्स, सी क्या है थ्री है। आगे क्या करना है आपको, सिंपली एक्स का फॉर्मूला बैठाना है, एक्स इक्वल्स टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। इसे आप याद कर ले तो सबसे अच्छा, इसे याद कर ले तो इससे अच्छा और कुछ नहीं। तो x इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करना है, माइनस है b में, यहाँ देखिए यहाँ भी b का वैल्यू माइनस में है, तो ये दो माइनस प्लस हो गया, तो ये सिक्स हो गया, प्लस माइनस ठीक है। बी स्क्वायर मतलब माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए क्या है टू, सी क्या है थ्री, बाई टू ए मीन्स टू इंटू टू, टू इंटू टू, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। x इज इक्वल्स टू सिक्स है, ये प्लस माइनस, माइनस सिक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया थर्टी सिक्स, फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, माइनस था तो माइनस ट्वेंटी फोर, बाई कितना फोर, ठीक है। आगे देखिए एक्स इक्वल्स टू क्या है सिक्स प्लस माइनस, ये थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर कितना हो गया ट्वेल्व बाई फोर, एकदम सिंपल है। नहीं समझ में आया, ऐसा हो नहीं सकता। तो आगे देखिए x इज इक्वल्स टू सिक्स प्लस माइनस, अब ये जो रूट ओवर ट्वेल्व है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ट्वेल्व मतलब टू सिक्स ट्वेल्व, टू थ्री ज़ा थ्री वन, देखिए एक टू का पेयर बन रहा है, तो इसे आप टू रूट थ्री ऐसे भी लिख सकते हैं, टू रूट थ्री बाई फोर। आगे क्या करना है, आइदर और, आगे आइदर और, एकदम सिंपल, आइदर x इज इक्वल्स टू सिक्स, ऊपर वाला साइन यूज करना है, सिक्स प्लस टू रूट थ्री बाई फोर, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं आप, ऊपर टू कॉमन ले सकते हैं, तो ये थ्री प्लस रूट थ्री बाई क्या फोर, ये देखिए टू टू ज़ा फोर, यहाँ से क्या मिला आपको थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू। ये x का एक कंडीशन था, आइदर और में देखिए x इक्वल्स टू क्या होगा, नीचे वाला साइन यूज़ करेंगे, तो सिक्स माइनस टू रूट थ्री बाई फोर बाई फोर। अच्छा एकदम सिंपल है, ऊपर कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे टू कॉमन, तो थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर, टू टू ज़ा फोर, इससे क्या मिला थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू। यहाँ भी देखिए आपको x के दो आंसर्स मिले, x के दो आंसर्स मिले, बस वो जो दो आंसर्स मिले उसे एक जगह लिख देना है। सो देयरफॉर x, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू, कॉमा दे दीजिए, और दूसरा क्या था थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू, बस यही है आपका आंसर, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू का वन, टू का वन देखिए क्वेश्चन क्या है, 256 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, अच्छा एक्स के साथ जो है वो बी है आपका, और सी क्या है वन, तो ए बी सी आपने क्लासिफाई कर लिया। इसके बाद एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू फार्मूला बैठाइए, एक्स इक्वल्स टू क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये है आपका फार्मूला। आगे देखिए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब माइनस थर्टी टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है 256, सी कितना है वन, बाई टू इंटू ए मीन्स टू इंटू 256। अच्छा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 1024, 256 इंटू 4 1024, अच्छा 256 इंटू 2 512, अच्छा आगे देखिए क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, ये पार्ट तो जीरो हो गया,
जीरो हो गया बाई 512 माइनस बी, बी का वैल्यू तो हम लोगों ने बैठाया नहीं, तो बी क्या है माइनस 32, ये भी माइनस है, तो ये 32 बाई 512 और ये प्लस माइनस जीरो, तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको यदि हम लोग रिड्यूस कर दें, 16 2 32, 16 3 48, 32 टू टाइम में 2 16 इक्वल्स टू क्या मिला आपको 1/16, 1/16 यहाँ से क्या वैल्यू मिला 1/16, तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1/16, x का वैल्यू क्या मिला 1/16। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 का 1 क्या है, देखिए 3 का 1 2x² + √5x - 5 = 0। इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी अलग करेंगे, ए यहाँ से क्या आएगा 2, बी क्या आएगा √5, सी क्या आएगा आपका -5। ए बी सी आपने अलग कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स का फॉर्मूला लिखना है, एक्स इक्वल्स टू क्या है -b + -√over b² - 4ac / 2a, यही तो फार्मूला है। आगे क्या करना है आपको, इसमें वैल्यू पुट करना है, माइनस बी मतलब -√5, ये प्लस माइनस √over b² b क्या है √5, तो ये √5² 4ac, a कितना है 2, c कितना है -5 / 2a, a कितना है 2, तो 2 × 2, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। x इक्वल्स टू क्या है -√5, ठीक है +- √over 5² 5, -- प्लस हो गया 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 40 बाय कितना 4, ठीक है। आगे देखिए x इज इक्वल्स टू -√5, ये +- √over कितना 45 बाय 4, बाय 4। अच्छा आगे इसको फर्दर और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो x इज इक्वल्स टू -√5 + -45। अच्छा ये 45 क्या है, 9 5 = 45, तो 9 से 3 बाहर आ जाएगा, तो इस 45 को आप 3√5 ऐसे भी लिख सकते हैं बाई 4। आगे आइदर और का केस आ गया, अब आइदर x इज इक्वल्स टू -√5, ऊपर का साइन लेना है, +3√5/4, इससे क्या मिला 3 - 1 2, 2√5/4, 2 2 = 4, इससे क्या मिला आपको √5/2, एक पार्ट मिल गया। और x इज इक्वल्स टू -√5, अब माइनस का साइन लेना है, -3√5/4, तो -3 - 1 - 4, -4√5/4, तो ये 4 कैंसिल हो गया, अब क्या मिला आपको -√5। तो अल्टीमेटली x के दो आंसर्स आपको मिले, x के दो आंसर्स क्या मिले √5/2 और दूसरा क्या है -√5। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मींस 3 का 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या है, क्वेश्चन √3x² + 10x - 8√3 = 0। यहाँ से भी वही काम, पहले ए बी सी अलग करना है आपको, यहाँ से ए क्या है √3, बी क्या है 10, सी क्या है -8√3, तो ए बी सी आपने क्लासिफाई कर लिया। इसके बाद वाले स्टेप में x का फॉर्मूला बैठाना है, -b + -√over b² - 4ac / 2a, ये आपने फार्मूला लिख दिया। आगे क्या करना है, वैल्यू सारे सब्सिट्यूट करने हैं आपको, तो x इज इक्वल्स टू -b - -10 + √over b² - 10² -4ac, a क्या है √3, c क्या है आपका -8√3, ठीक है / 2a, a क्या है √3। नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल्स टू क्या -10 + √over 10² कितना 100, 10² 100, यार देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो गया 4 8 = 32, √3 √3 3,
तो 32 इंटू 3 6 और ये 9 96 हो गया, ये 96 हो गया बाई कितना 6 बाई 6। इसको और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या माइनस 10 प्लस माइनस 100 प्लस 96 196। 196 कितना का स्क्वायर है 14 का बाई 6। इसके बाद आइदर और, सो आइदर x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 14 बाई 6, 14 माइनस 10 4, 4 बाई 6, 4 बाई 6 नहीं 2√3। नीचे देखिए क्या है 2√3, ये 6 नहीं है ये 2√3 है, अच्छा ये 2√3 है 2√3, ये 2√3, तो ये 2 2 4 हो गया, तो यहाँ से क्या मिला आपको 2√3, 2√3। ये एक पार्ट आपको मिल गया, एक पार्ट मिल गया, दूसरा पार्ट और का पार्ट, और x इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये प्लस था अब ये माइनस हो गया बाई 2√3। माइनस 10 माइनस 14 माइनस 24 बाई 2√3, तो ये 2 12 टाइम मतलब माइनस 12 बाई रूट 3, ये दूसरा पार्ट। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 4 का 1, इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या है क्वेश्चन, x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 4। इसे पहले हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, एलसीएम लेके x प्लस 2 और x माइनस 2 का एलसीएम क्या होगा, ये दोनों ही इसका एलसीएम हो गया, दोनों ही फैक्टर्स इसके एलसीएम होंगे। तो जब x प्लस 2 डिवाइड हो गया तो क्या रह गया, x माइनस 2 इंटू x माइनस 2, तो ये हो गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, या माइनस वाला पार्ट डिवाइड हो गया तो दिस इंटू दिस मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 4 है। अब इसको हम लोग आइडेंटिटी से खोल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसे प्लस के आइडेंटिटी से खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर बाई, नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू क्या है 4 है। यहाँ देखिए माइनस 2 ए बी ये प्लस 2 ए बी कैंसिल हो गया, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू क्या है 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है 2 एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 4 क्या है 8 है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4x स्क्वायर माइनस 16 हो गया, 16 हो गया। इन दोनों को भी मैं इस तरफ लेकर आता हूँ तो ये 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस था दूसरी तरफ आ गया तो माइनस हो गया, माइनस 16 ये प्लस है दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या है, ये 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8 माइनस 24 इक्वल्स टू क्या है 0। इसको और थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में, 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये 2 जब इधर आएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 बाई 2 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ए बी सी क्लासीफाई करना है, यहाँ से ए बी सी करना है, तो a क्या है a स्क्वायर, x स्क्वायर के आगे क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 है, b का टर्म तो है ही नहीं मतलब b 0 है, c कितना है माइनस 12। इससे देखिए a b c मिल गया, आगे फार्मूला यूज़ करना है हम लोगों को, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2 ए, ये है आपका फार्मूला। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये b क्या है 0 तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर तो ये पूरा 0 हो गया, 4 ए सी तो 4 इंटू 1 और c क्या है माइनस 12,
बाई टू ए, तो टू इंटू वन टू हो गया। अच्छा आगे देखिए इसके और आगे क्या स्टेप्स कर सकते हैं हम लोग, ये पार्ट तो जीरो ही है, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, प्लस माइनस रूट ओवर, ये जीरो ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ट्वेल्व फोर जै कितना 48 बाई टू, 48 ये प्लस माइनस है, रूट ओवर 48 को जब आप ब्रेक करेंगे, 16 थ्री जै कितना होता है, 16 थ्री जै 48, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 रूट थ्री आप लिख सकते हैं, इसको आप 4 रूट थ्री, नीचे क्या है बाई टू, मतलब ये 2 और 2 कट गया, तो आप बोल सकते हैं प्लस माइनस 2 रूट थ्री, बस यही हो गया आपका आंसर, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखिए क्या है क्वेश्चन, x प्लस वन बाई एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 3x प्लस टू बाई 2x प्लस थ्री, इसे सिंप्लीफाई करना होगा, क्या करेंगे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, आइए पहले सबसे पहला स्टार्ट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये x प्लस वन इंटू 2x प्लस थ्री इक्वल्स टू क्या होगा, ये x प्लस थ्री इंटू 3x प्लस टू, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, x इंटू 2x क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 1 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ तो 2x प्लस थ्री, सिमिलरली x का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3 का मल्टीप्लीकेशन भी इन दोनों के साथ तो ये 9x प्लस 6। अब देखिए कुछ लाइक टर्म्स है, इसमें प्लस माइनस होगा तो 2x स्क्वायर, जैसे 3x प्लस 2x क्या हुआ, ये 5x प्लस 3, ठीक है, इधर देखिए क्या है 3x स्क्वायर, 9x प्लस 2x क्या है 11x प्लस 6। आगे इन सब को एक तरफ लेके चलते हैं, तो ये 3x स्क्वायर ये प्लस है, दूसरी तरफ आया तो माइनस हो गया, प्लस 11x ये प्लस है, दूसरी तरफ आया तो माइनस हो गया, प्लस 6 ये प्लस 3 था इधर आया तो माइनस 3, सब एक तरफ आ गया तो इक्वल्स टू 0 हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या है x स्क्वायर, 11 माइनस 5 क्या है 6x, 6 माइनस 3 क्या है 3 है, तो प्लस 3 इक्वल्स टू कितना 0। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी हो गया, अब यहाँ से a क्या है 1 है, क्योंकि x स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, अच्छा b क्या है x के आगे 6, c क्या है 3 है, नेक्स्ट स्टेप क्या है x का फॉर्मूला, x इक्वल्स टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला लिख दिया। आगे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, अब तो आप सीख ही गए हैं, अब आप सीख गए हो, तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2a, तो 2 इंटू 1, आगे x इक्वल्स टू, आगे देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 4 थ्री जै कितना 12 बाई 2 बाई 2। अच्छा इसके बाद x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस ये कितना 24 बाई 2। आगे इसको और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, हो गया बस खत्म, थोड़ा सा और है। इसके बाद x इज इक्वल्स टू क्या माइनस 6 प्लस माइनस ये 24 है, 24 क्या है 4 6 या 24, 4 कितने का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 रूट 6 बाई 2। इसके बाद आइदर और, इसके बाद आइदर और, तो आइदर x इज इक्वल्स टू माइनस 6 ऊपर वाला साइन लेना है आपको प्लस 2 रूट 6 बाई 2, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन लेने पे माइनस 3 प्लस रूट 6 बाई 2, ये 2 2 कट गया, तो x क्या मिला आपको माइनस 3 प्लस रूट 6। देखिए x का एक वैल्यू तो मिल गया,
इसी तरह से एक और वैल्यू चाहिए और के लिए, और के लिए एक और वैल्यू चाहिए। सो और एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस सिक्स, अब ये प्लस था यहाँ पे माइनस देना है, टू रूट सिक्स बाई टू बाई टू। आगे क्या करेंगे हम लोग, टू कॉमन ले लेंगे, आगे क्या करेंगे टू कॉमन, आगे हम लोग क्या करेंगे टू कॉमन ले लेंगे। इसमें जब आपने टू कॉमन ले लिया तो ये माइनस थ्री माइनस रूट सिक्स बाई टू, तो ये टू टू कैंसिल हो गया। तो x का एक और वैल्यू क्या मिला आपको, माइनस थ्री माइनस रूट सिक्स, बस खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फाइव का वन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव का वन क्या है, a इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एक्स ए स्क्वायर प्लस वन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर क्या है x है। इसको पहले हम लोगों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब ब्रैकेट को रिमूव करना होगा। ए इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर, ए इंटू वन क्या है ए है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप इन सब को एक तरफ लेकर आइए, तो ये ए एक्स स्क्वायर ये इधर आ गया, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स इधर आ गया, माइनस एक्स माइनस ए सॉरी प्लस ए क्योंकि ये तो इसी तरफ है, इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। आगे देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए तो क्या रह गया ए स्क्वायर, साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस दे दिया है, तो प्लस वन प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है ए, तो यहाँ पे ए का वैल्यू ए ही मिला आपको। बी क्या मिला, एक्स के आगे क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस वन। सी क्या है, सी भी ए है, सी भी ए है, तो इसके बाद एक्स का फार्मूला बैठाना है, एक्स इक्वल्स टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए बाई टू ए। आगे वैल्यू बैठाएंगे हम लोग, माइनस बी माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो बी क्या था ए स्क्वायर प्लस वन, ठीक है प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो वैसे ही प्लस हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए कितना था ए ही था, सी क्या था ए ही था, बाई टू ए, तो टू ए, टू ए ही रह गया क्योंकि ए का वैल्यू भी ए ही है। नेक्स्ट स्टेप एक्स इज इक्वल्स टू देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बाई टू ए, ठीक है। अच्छा आगे देखिए एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस रूट ओवर ए टू द पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर, तो माइनस टू ए स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए। अब इसे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये खुद भी एक आइडेंटिटी बन गया, ए टू द पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस वन, ये एक आइडेंटिटी फॉर्म्ड हो गया। सो एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस ये रूट ओवर ए फोर, मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर बाई टू ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो आगे देखिए एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस रूट ओवर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई टू ए, बाई टू ए, इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल है। अब देखिए जब इस रूट को रिमूव करेंगे तो ये स्क्वायर भी रिमूव्ड हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए। अब क्या करेंगे हम लोग, आइदर और, इसके बाद आइदर और, तो आइदर एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन, प्लस का कंडीशन लेना है, ए स्क्वायर माइनस वन
बाई टू ए, बाई टू ए, इससे क्या मिला देखिए, ये प्लस माइनस कट गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर बाई टू ए, टू टू चला गया, ए स्क्वायर है ये ए है तो क्या बच गया, ए बच गया। देखिए एक आंसर आ गया आपको। इसके बाद और का कंडीशन यूज़ करना है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन, अब माइनस का कंडीशन यूज़ करेंगे, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, बाई टू ए इक्वल्स टू ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, वन प्लस वन टू हो गया, टू बाई टू ए टू टू चला गया, क्या मिला वन बाई ए। बस यही दो आंसर तो आपको चाहिए था, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव का टू, फाइव का टू देखिए क्या है क्वेश्चन, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये भी वही क्वेश्चन से, उसी तरह के क्वेश्चन से, इसे भी हम लोगों को उसी अप्रोच से करना है। यहाँ पे देखिए ए क्या है, ए आपका फोर है, बी क्या है माइनस फोर ए, अच्छा सी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे क्या करना है, x का फॉर्मूला लिखना है, x इज इक्वल्स टू क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। इसके बाद वैल्यू सब्सिट्यूट करने हैं, सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ b के वैल्यू में भी माइनस है, तो ये दो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका फोर ए प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी क्या था माइनस फोर ए, तो ये माइनस फोर ए का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है फोर, सी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा बाई टू ए, तो टू इंटू फोर, टू इंटू फोर। आगे क्या करेंगे हम लोग, एक्स इक्वल्स टू फोर ए प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये सिक्सटीन ए स्क्वायर, ये माइनस सिक्सटीन इंटू ए स्क्वायर क्या सिक्सटीन ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया सिक्सटीन बी स्क्वायर बाई एट, बाई एट। आगे एक्स इक्वल्स टू क्या है फोर ए प्लस माइनस, यहाँ से देखिए प्लस माइनस ये कट गया, सिक्सटीन बी स्क्वायर से बाहर क्या आएगा फोर बी बाई एट, बाई एट, एकदम सिंपल। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आइदर और, सो आइदर एक्स इज इक्वल्स टू फोर ए प्लस फोर बी बाई एट, इसमें आप फोर कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी बाई एट, फोर टू ज़ा एट, यहाँ पे क्या मिला ए प्लस बी बाई टू। एक और कंडीशन में क्या लेंगे हम लोग, और का कंडीशन, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4a माइनस 4b बाई एट, यहाँ भी आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या मिला a माइनस बी बाई एट, फोर टू ज़ा एट, यहाँ से क्या मिला a माइनस बी बाई टू। बस सब खत्म हो गया, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए।